आज 15 अगस्त 2024 जब देश आजादी की 77th वर्षगांठ मना रहा था, तभी देश के कोने में एक जगह एक ट्रेन दो भागों में विभाजित हो गई। ट्रेन नंबर 12932 अहमदाबाद मुंबई डबल डेकर चुकी अहमदाबाद से हर सुबह 5:50 पर डिपार्ट होकर नडियाड, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड के रास्ते अपनी मंजिल मुंबई सेंट्रल दोपहर 1:05 पर पहुंचने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन अभी भरूच से डिपार्ट होकर सूरत की तरफ तेजी से बढ़ चली थी और अभी गोथांगम रेलवे स्टेशन से आगे जरा सा निकली ही थी, जहां से सूरत मात्र 11 किलोमीटर बचा था। समय हो रहा था सुबह के 8:50। ट्रेन अभी गोथांगम स्टेशन के यार्ड से पास ही हो रही थी कि तभी अचानक ट्रेन के कोच नंबर 7 और 8 एक जोरदार आवाज से डिटैच हो जाते हैं। घटना की जानकारी एक महिला के जोर से चिल्लाने के बाद हुई, जिसके बाद सबका ध्यान इस ओर गया और ट्रेन को तुरंत ही रोक दिया गया। बाकी यात्रियों को इसका आभास तब हुआ जब ट्रेन का एसी चलते चलते अचानक बंद हो गया, क्योंकि पावर सप्लाई तो कट चुकी थी। इसके बाद 11:22 तक इन सभी समस्याओं से निजात पाते हुए रेल यातायात को फिर से शुरू पर बहाल कर दिया गया। वैसे हाल फिलहाल में जैसे रेलवे को किसी की बुरी नजर सी लग चुकी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई समस्या सामने आ ही जाती है। लगातार होते हादसों के मद्देनजर रेलवे ने गतिमान और कुछ वंदे भारत ट्रेन, साथ ही साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली भोपाल शताब्दी जैसी ट्रेन, जो कभी 160 या 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती थी, की अधिकतम रफ्तार को घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। फिर भी समस्याएं हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी कल ही शाम 5 बजे कोयले की एक मालगाड़ी कटनी बिना रेलखंड के असलाना पथरिया स्टेशनों के बीच एक तेज आवाज के साथ डिरेल हो गई थी, जब इसके 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मालगाड़ी के डिब्बों के पहिए अलग होकर ट्रैक पर बिखर गए थे, साथ ही चारों तरफ कोयला फैल गया था। बताया जाता है कि इस घटना में पटरियों, स्लीपर के साथ ओएचई के खम्भों को भी भारी नुकसान पहुंचा था और आधा किलोमीटर तक के दर्जनों खम्भे क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस वजह से पूरी तरह से रेल यातायात काफी समय तक बाधित रहा। अब लगातार इस तरह के हादसों के होने की वजह से यात्रियों में ट्रेन यातायात को लेकर असुरक्षा का भाव देखा जा रहा है। रेलवे को इस ओर जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।